नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और अब वक्त हो गया खबरें फटाफट का। कांग्रेस में शामिल हुए वाईएस शर्मिला बोली, इसी पार्टी ने किया भारत की बुनियाद का निर्माण। कोविड-19 के 24 घंटे में सामने आए 760 नए मामले, संक्रमितों के लिए कोविड टास्क फोर्स ने जारी किए दिशा निर्देश। राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति की बैठक, 9 को सांसदों के निलंबन पर बड़े फैसले के हैं आसार। जेपी नड्डा पहली बार लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव, राज्यसभा के अन्य सदस्यों को भी आजमा सकती है भाजपा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के टैक्स बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोप पर भाजपा ने किया पलटवार। 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा भी करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लगी आग, 7 दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हनुमंत लला से अनुमति लेकर राम जन्मभूमि जाएंगे पीएम मोदी, कुल 40 मिनट का होगा पूजा का समय। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे पीएम मोदी, अमित शाह और एनएसए डोभाल समेत कई बड़े अफसर और नेता जयपुर आएंगे। काठमांडू पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत नेपाल संयुक्त आयोग बैठक में रिश्तों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। कार सेवक श्रीकांत पंडित की गिरफ्तारी पर गरमाई कर्नाटक की सियासत, पुलिस स्टेशन के सामने सिटी रवि ने किया विरोध। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन महाराष्ट्र में सरकारी छुट्टी घोषित किए जाने की मांग अब तेज हो रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अयोध्या मामले पर फिर बयान दिया, बोले चोट लगी थी तो डॉक्टर के पास जाएंगे या मंदिर में। लखनऊ के नाका में 3 मंजिला 2 निर्माणाधीन इमारत अचानक ढह गई, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शराब नीति मामले में हाईकोर्ट पहुंचे संजय सिंह, याचिका दायर कर अदालत से जमानत देने की मांग। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पवन खेड़ा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार। खराब मौसम के चलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू के दीक्षांत समारोह में नहीं हो पाएंगे शामिल। शिरोमणि अकाली दल 1 फरवरी से पंजाब बचाओ यात्रा निकालेगा, इस पर सीएम भगवंत मान ने संतुष्टि हुए कहा, वोट से पहले पूरे पंजाब में अकाली दल पंजाब बचाओ। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह श्रद्धालुओं के लिए बेहद अनोखा होगा, रामघाट पर तुलसी बाड़ी में 22 जनवरी को जलाया जाएगा त्रेता युगी दीपक। सीएम योगी ने स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ रुपए दिए, बोले प्रदेश का बीता कुछ समय अंधकार युक्त था। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।